मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए क्लास 10 के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आया हूँ, जिन्हें पढ़कर आप समांतर श्रेणी के सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। चलिए बिना समय व्यर्थ करें हम सूत्र प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सूत्र को पहला सूत्र आपको है, माना, क्या आपको मानना है? माना कि समांतर श्रेणी, माना कि समांतर श्रेणी ए और ए प्लस डी, या ए प्लस, आपको ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, इसके बाद आपको कितने लिखने हैं, ए प्लस थ्री डी, इसी तरह डॉट डॉट का, इसका क्या हो, का प्रथम पद ए हो, प्रथम पद क्या हो, ए हो, और जो सार्वांतर है, यानी जो सबको अंतर है, वो कितना हो, डी हो। सार्वांतर को डी से नोट करते हैं। तब एनवा पद, यानी माना कि समांतर श्रेणी ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डॉट डॉट, इसी तरह से चलता है। प्रथम पद इसका ए है और सार्वांतर, इनको सबके बीच को अंतर जो डी है, तब इनका एनवा पद आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो आपको कैसे निकालोगे, एनवा पद बराबर कैसे निकलेगा आपका, टी एन, ये आपका एनवा पद हो गया, और आपको यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है, ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी, क्या हो गया, ये हो गया है। ये आपको ए क्या है, ए है प्रथम पद, एन क्या है, एनवा पद है, पदों की संख्या है, माइनस वन इंटू डी सार्वांतर हो गया है। एक सूत्र आपका ए हो गया है योग निकालने के लिए। उसके बाद आपको दूसरा सूत्र है कि समांतर कि समांतर श्रेणी के एन पदों का, एन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल आपको किस तरह निकालना है। एन पदों का योगफल एस एन से आप व्यक्त कर सकते हैं। किस तरह आपको लिखना, एन यानी जो पद हैं जितने, हुआ है एनवा पद अपॉन टू, बड़ा कोष्टक टू ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका हो गया एस एन, यानी जो समांतर श्रेणी के एनवे पदों का योगफल आपको इस तरह निकालना है। एक सूत्र आपका ये वाला हो गया है, एस एन बराबर एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद तीसरा सूत्र देखिएगा, तीसरा सूत्र है, यदि प्रथम पद ए, कैसे होना, यदि प्रथम पद ए और सार्वांतर, प्रथम पद ए और सार्वांतर कितना हो, डी वाली, डी वाली समांतर श्रेणी, क्या हो, डी वाले समांतर श्रेणी, क्या प्रश्न होगा, प्रथम पद ए और सार्वांतर डी वाले समांतर जो श्रेणी हो, का एनवा पद, एनवा पद एन, एन आपको दिया हो तो किसे निम्नलिखित, निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त होगा, किस तरह प्राप्त होता है, अगर दिया है आपको तो आपको लिखना है ए एन, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी, आपका ये हो गया
यहाँ से भी आपका एक सूत्र ये आपका बन गया, एक सूत्र आपका ये बन गया है समांतर श्रेणी का। उसके बाद चौथा सूत्र देखिएगा, आपका चौथा सूत्र है यदि प्रथम पद भी वाले आपको लिखना है, यदि प्रथम पद आपको ए से व्यक्त करते हैं और सर्वांतर कितना हो, कितना सर्वांतर आपका डी हो, डी है, तथा अंतिम पद आपका एल हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको अंत से क्या निकालना है, आठवां पद। अभी तक एनवा पद लिया, अब आठवां पद आपको कैसे निकालो, एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी, इस तरह आपका आठवां पद निकाले। ये भी आपका सूत्र हो गया, ये आपके चार सूत्र हो गए हैं। उसके बाद पांच नंबर सूत्र देखिएगा, यदि परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का इसमें हमने अंतिम पद जो माना था वो कितना एल है, यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल है, कौन सा अंतिम पद एल है, तो इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग यस हो, तो सूत्र यदि परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल है, अंतिम पद क्या है यल है, तो इस समांतर श्रेणी के सभी पदों यानी जो समांतर श्रेणी जितने पद हैं उन सब पदों का योग आपको किस तरह निकालना है, योग हमने एस मान लिया है, तो आपको एस बराबर लिख लेना है एन अपॉन टू ए प्लस एल से प्राप्त होता है, या इस तरह आप लिखते हैं एस बराबर एन अपॉन टू क्वेश्चन ए प्लस एल, ये आपका सूत्र है। यदि आपकी परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल है तो इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग एस मान लिया, तो आपको एस बराबर लिख लेना है एन अपॉन टू ए प्लस एल, यस आपका क्या हो गया, ये योगफल निकाल लेगा पदों का, ये ना आपका ये मतलब संख्या है, समांतर श्रेणियों की संख्या है। उसके बाद ये क्या है, ये पद है एल जो आखिरी पद है, ये प्रथम पद है और एल क्या है अंतिम पद है, एक आपका सूत्र ये गया, ये पांच सूत्र आपके हो गए हैं। मैंने आज आपको समांतर श्रेणी के पांच सूत्र बताए हैं जिन्हें पढ़कर आप पूरी प्रश्नावली हल कर सकते हैं। अगर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, आप अगर आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप देख रहे हैं SBS सरोज कुमार चैनल, कृपया इस चैनल के जुड़ने के लिए 10th का गणित या 12th का गणित पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।